अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज आपका भाई हाजिर है एक न्यू ब्लॉग के साथ। आज हमारे भाई आज हम एक बार फिर आए हैं दागल शरीफ विलेज। ठीक है, अभी जो है हम जा रहे हैं सब्ज़ी वगैरह काटने, ठीक है, फसलों की तरफ। जैसा कि आप पिछले ब्लॉग में दिखा चुका हूँ, लेकिन उस ब्लॉग में ज़रा टाइम शॉर्ट था, तो सही से ब्लॉग प्रॉपर तरीके से नहीं बना सके। आज इंशाल्लाह आपको हर एक चीज़ वाजिया दिखाएंगे इस ब्लॉग में। तो चलते हैं, अपने ब्लॉग को आगे बढ़ाते हुए चलते हैं। अभी हमने ये क्या लिया यार, मुझे तो इसके बारे में कुछ नहीं पता है। उनको भी नहीं पता चलेगा, ये है ना बांधने के लिए। अच्छा, ये बांधने के लिए जो है ना, सब्ज़ी वगैरह बांधने के लिए होता है। ठीक है, जैसे गड्डियाँ बनाते हैं लोग इसी तरह। ठीक है, इससे बांधते हैं। ये अभी हम लेके आए हैं साथ, सब्ज़ी वगैरह काटेंगे और इससे बांधेंगे और फिर जो है आपको दिखाएंगे। तो चले अपने ब्लॉग को आगे बढ़ाते हुए चलते हैं। तो गाइस, अभी जो है हम फसलों में पहुंच चुके हैं। अब जो है आपको जैसा कि सब्जियां वगैरह काटेंगे दिखाएंगे। मैंने कभी काटी तो नहीं है, लेकिन आज मैंने सोचा आज ट्राई करके देखते हैं। तो ये है फसलें। ठीक है व्यूअर्स, और ये अभी हमारे इस्लाम भाई जो है काट रहे हैं। ये कौन सा है, साग लगे? सरसों का साग ये लगा हुआ है इन फसलों में। फिल्म चाड़ गया ना मासी, मिट्टी खराब है ना जिन्हें। ये दे दिखा क्या। तो गाइस, जैसा कि आपको मैं बता रहा था, हम ये जो है यहाँ से काटेंगे। अभी इस्लाम भाई काट रहे क्योंकि इनके पास टाइम थोड़ा शॉर्ट है। तो ये जो चीज़ हमने लेके आए थे आपको दिखाई थी, ये जैसा कि आप देख सकते हैं, ये इसको बांधने के लिए, जैसा कि मैंने आपको बताया था, गड्डियाँ बनाने के लिए होता है। अब ये एक गड्डी होगी हमारी, अभी इसको हम साइड पर रखेंगे। नीचे ही रख दूँ, ये यहाँ रख देते हैं। इसी तरह ये हमारी दूसरी आ गई। तो व्यूअर्स, ये है सरसों का साग लगा हुआ है। ठीक है, आप देख सकते हैं ये बारिश वगैरह का, जो आप देख सकते हैं बारिश का मौसम जो है बना हुआ है। तो गाइस, ये अब जैसा कि वहाँ पे वो जैसे जैसे गड्डियाँ बना लेंगे, उसी के साथ साथ हम यहाँ पे जैसा कि ये देखें, इस चीज़ को तो आप जानते ही होंगे, ये है सिपी, हम इसको सिपी बोलते हैं। ये अक्सर जो है ऐसी फसलों में पाए जाते हैं कसरत से। अभी ये मरी भी है, तो तब मैंने इसको हाथ में उठाया हुआ है इजीली, तो इसको इधर रख देता हूँ मैं। तो इसी तरह अभी अपने ब्लॉग को आगे बढ़ाएंगे, और अभी इस्लाम भाई से पूछेंगे ये एक जो गड्डी है ये साग की, ये कितने की मतलब सेल करते हैं। ये असल में इनके ये अपनी फसल है, तो यहाँ से जो है सुबह के टाइम काटते हैं ये साग वगैरह, और फिर शहर वाली साइड पे जाके बेचते हैं। अक्सर जो है लोग वगैरह यहाँ पे भी आते रहते हैं लेने के लिए, तो लेकिन ये फिर भी यहाँ पे कम ही लोग आते हैं, इतने ज़्यादा अभी नहीं आते, तो इसलिए इनको शहर जाना पड़ता है यहाँ से बेचने के लिए। तो ये फिर हम जब वो फ्री हो जाएंगे तो उनसे पूछेंगे। वो तो टाइम से ही फ्री होंगे, तो मैंने सोचा मैं खुद ही
दराटी उठाता हूँ और काटना शुरू करता हूँ साग, लेकिन मुझे अभी ज़रा भी एक्सपीरियंस नहीं है इस चीज़ का, लेकिन ट्राई करने में क्या हर्ज है। तो अभी यहाँ से मैं निकाल लेता हूँ। ओ ये किसी और के बाइक की तरफ मैं चला गया था, ये है अपना बाइक और ये लगी है दराटी। ठीक है, तो इसको गैस बोलते हैं दराटी, जैसा कि आपको पता ही होगा ज़्यादातर विलेजेस में, गांव वगैरह में जो है लोग इसका इस्तेमाल करते हैं फसलें काटने के लिए। तो अभी मैं भी जो है काट के देखता हूँ, वैसे फर्स्ट टाइम है। तो चलें अभी फ़िलहाल हम अपना साग वगैरह काटते हैं। ये हमारी आ गई है दराटी। ठीक है, अभी मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस है, अभी मैं देखता हूँ इसको कैसे काटा जाता है। यहाँ से पकड़ते हैं, ठीक है इस्लाम भाई, नीचे से और इधर नीचे से। वाह, मैं तो बहुत एक्सपर्ट हूँ इसमें, मुझे तो पता ही नहीं था, अपनी पावर का अंदाज़ा मुझे नहीं था। इस तरह तो घटी है। ओहो, तो चलें गाय तो हमसे नहीं होगा ये, मैं ज़ाया ही करूँगा मुझे लगता है। तो चलो ये एक फिर भी मैंने काटी है, वैसे सही है काटने तो मुझे आता है। इस्लाम भाई क्या ख्याल है? यही बात है। तो ये मैंने एक गड्डी बनाई है, ये कितने की सेल करते हैं कुछ बताएंगे? 40। तो ये हम 40 की सेल करते हैं, जिस भाई को भी चाहिए हुए इधर आ जाए। जॉगिंग का मजाक था, ठीक है गाइस। तो ये 40 रुपये की एक गड्डी है, ठीक है। फिलहाल रमज़ान में इसका रेट जो है चेंज हो जाएगा। तो ये जैसा कि कहाँ पर जाके बेची जाती है? ये आगे पीछे जिधर शहरों में, ठीक है शहरों में जाके सेल करते हैं। तो अभी मैं अपनी गाड़ी पे जो है यहाँ से बांधूंगा, ये तो मेरे ख्याल से 20 रुपये की बिकेगी। तो फिर भी जो है ये हो गई है हमारी गाड़ी तैयार। तो गाइस जैसा कि मैंने जो गाड़ी बनाई है आपको दिखाई है, ठीक है साग की, तो गाइस अभी जो है मैंने आपको जो है एक साग काट के उसकी गड्डी बना के दिखाई है। जैसा कि आपने देखा होगा काफ़ी अच्छी मैंने गड्डी बनाई है। मेरा तो दिल है यही काम शुरू कर दूं, साग वगैरह से बेचूं शहरों में जाके। तो क्योंकि वैसे भी पाकिस्तान में काफ़ी बेरोज़गारी है, तो फिलहाल जो है ये लोग मेहनत करते हैं काफ़ी, गाँव के तो लोग आपको पता है वैसे भी मेहनती होते हैं। बाकी इसी तरह अपने व्लॉग को आगे बढ़ाऊंगा। हम ये काम नहीं कर सकते वैसे, क्योंकि बहुत मुश्किल काम है। मैं ये काम किधर कर सकता हूँ, क्योंकि काफ़ी मुश्किल काम है, काफ़ी गाँव वालों को जाहिर सी बात है एक्सपीरियंस होता है, वो ये चीज़ें मतलब जानते हैं। तो बाज़ औक़ात ये काफ़ी ख़तरनाक भी होता है, हाथ वगैरह पर लग सकती है, ये दराटी वगैरह कट लग सकता है, काफ़ी मतलब ख़तरनाक हो सकता है। तो इस वजह से जो है हमारा करना बहुत मुश्किल है हो सकता है, लेकिन फिर भी एहतियात बहुत ज़्यादा इसमें चाहिए होती है और बंदे को ये काम आना चाहिए। तो अभी मैं अपना व्लॉग जो है क्लोज़ करूँगा, तो घर की तरफ रवाना होऊंगा। तो गाइज़ ये था हमारा आज का व्लॉग, आज हम आए हुए थे इधर दागल शरीफ। हाँ, जैसा कि आपको फसलें दिखाई, ये जैसा कि हमने सरसों का साग जो है आज काटा है, इस्लाम भाई भी साथ है हमारे, मैंने भी जो है थोड़ा बहुत चेक किया काट कैसे काटा जाता है। तो अभी जो है हम अपना ब्लॉग क्लोज़ करते हैं, बाकी उम्मीद करते हैं कि आपको पसंद आएगा। तो चैनल हमारा सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि आगे होने वाली हर वीडियो आप तक आसानी से पहुँच सके। तो अभी के लिए इतना ही, अपने भाई को इजाज़त दीजिएगा, अल्लाह हाफिज़।